आफ्टरनून एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि है चिकन पुलाव। चिकन पुलाव मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट डिश है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वीकेंड पे जो है वो चिकन पुलाव ही बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गर्म मसाले हैं इनमें, साबुत मसालों में बे लीव्स हैं और इलायची है, दादियान के फूल, लौंग, ज़ीरा और दारचीनी। इसके अलावा हमारे पास नमक है, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला और सूखा धनिया है। इसके अलावा हमारे पास दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर, कटे हुए टमाटर हैं बारीक चॉप किए हुए और प्याज है। तो ये हमने आधा कप ऑयल लिया है और हमारे पास तकरीबन आधा किलो चिकन है और 1.5 कप चावल है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से जितने चाहें वो चावल या फिर चिकन ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है तो 1.5 कप चावल के हिसाब से मैंने अपने सारे इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। आप अपने हाथ के साथ इसको चेक कर सकते हैं, जैसे जब थोड़ी सी हीट आपको महसूस होनी शुरू हो जाए तो हमारा पैन हीट अप हो चुका है। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैं ये आज सनफ्लावर कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब चेक कर लें अपने हाथ से, जैसे थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करना शुरू कर दें। जी, हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जैसे हल्के से मसाला जात आप देखें कि उसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इससे पहले कि ज़ीरा बहुत ब्राउन हो जाए हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। मैं जब पुलाव बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें हड्डी वाला चिकन यूज़ करूँ। क्या है कि जब हम चिकन पुलाव बनाते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत होती है थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो चावलों में भी मिक्स हो। तो जो हड्डी वाला गोश्त है मोस्टली जो है वो उसका ज़रा रिच फ्लेवर होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुलाव के लिए जो ज़्यादा सूटेबल है मेरे ख्याल में वो हड्डी वाला गोश्त। तो जैसे हम देखें थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए हम इसको पलट देंगे। और आंच का मैं भी आपको बता दूं कि आंच भी जो है वो आपने अपने हिसाब से आप देखें कि आपने उसको कम और ज़्यादा करते रहना है, क्योंकि हम इसको एक ही आंच पर नहीं बना सकते। जब आप देखें कि आपका ऑयल बहुत गर्म हो चुका है तो आप थोड़ी सी आंच को हल्की कर दें, क्योंकि जब हम एकदम से चिकन डालते हैं गर्म ऑयल में तो उसका टेम्परेचर जो है वो उसको चेंज कर देता है, क्योंकि चिकन जो है वो ठंडी है। तो अभी जब आप देखें कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा अपनी आंच को हल्का कर दें। ये फ्राई होते होते ही बहुत मज़ेदार खुशबूएं आ रही हैं। आपने इसे अच्छी तरह से जो है वो भून लेना है। चिकन जितनी अच्छी भुनी हुई होगी उसकी शक्ल जो है वो उतनी अच्छी होगी, गोल्डन और ऊपर से ब्राउन ब्राउन की। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ
कि चिकन को भूनना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि फिर जब हम उसमें चावल मिक्स करते हैं और पानी डालते हैं तो चिकन जो है वो टूटता नहीं है जी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, हमें इनको पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना है क्योंकि फिर वो जो है ना उसका फ्लेवर उस तरह का नहीं आता चावलों में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही क्विक और झटपट रेसिपी है और इसके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और जब हम टमाटर ऐड करें तो उसके बाद हम अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे क्योंकि समटाइम जब हम ऑयल में डायरेक्ट स्पाइसेस ऐड करते हैं तो क्या होता है कि उससे वो जो है ना उसकी फटक सी चढ़ती है नाक को, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल। और क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो मोस्टली जो है वो कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो ये हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक ऐड किया है और लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च और ये हमारा सूखा धनिया। और क्योंकि हमने इसमें साबुत मसाले ऐड किए हैं तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये भूनते भूनते ही बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। मैं हमेशा स्पाइसेस अपने खानों में कम रखती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे दो छोटे बच्चे हैं और मेरी बेटी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाती, तो आप अपने हिसाब से उसमें चाहें तो बहुत उसको तीखा भी बना सकते हैं, उसमें मिर्च काली मिर्च या फिर सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं सब्ज़ मिर्च नहीं डालती हूँ अपने पुलाव में क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे हैं तो समटाइम्स अगर वो पुलाव में खाते हुए उनके मुंह में आ जाए तो वो फिर, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं इसमें डेफिनेटली जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो इसके फ्लेवर को और ज़्यादा रिच करेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी शक्ल नज़र आ रही है चिकन की। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही ऐड कर देंगे, आधा कप हमने दही लिया था हम इसको ऐड कर दिए। अगर आप इसमें फुल क्रीम योगर्ट डालेंगे तो उसका और ही मज़ा होगा, तो मेरे पास आज लो फैट था तो मैंने लो फैट ही यूज़ कर लिया। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें जो है वो तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब लेमन भी डाल सकते हैं, और अगर लेमन भी ना हो आपके पास तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं, तो ये इक्वली वर्क करता है। अगर आप इसमें दही डाल दें या फिर आप इसमें लेमन डाल दें या फिर इसमें इमली डाल दें, तो दो चीज़ें भी डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है खाने वालों पे कि वो किस तरह का टेस्ट जो है उनको पसंद है। और एक और बात आपको मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो लस्सी होती है हमारे पास, अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 कप के करीब लस्सी भी डाल सकते हैं जो खट्टी लस्सी होती है। लेमन का एक और भी फायदा होता है कि लेमन जो है वो चावलों को जुड़ने नहीं देता, इसमें जो थोड़ी सी खटाई होती है उसके साथ उसकी वजह से जो है चावलों के दाने जो है वो मोस्टली अलग अलग रहते हैं। ये मेरे पास चावल है जो मैंने पहले से भिगो कर रख दिए हुए थे, तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1.5 कप जो है वो चावल ऐड कर देंगे। ये मैंने तकरीबन आधे से पौना घंटा मैंने इनको बासमती चावल है इनको मैंने सोक करके रखा था, और अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद हम इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे।
क्योंकि चिकन का अपना पानी भी निकल रहा है और हमने चावल भिगोए थे, तो क्योंकि 1.5 कप चावल के हिसाब से हमें इसमें 3 कप पानी डालना होता है, लेकिन मैं इसमें 2 कप डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इनको भिगोया था। और दूसरा आप देख सकते हैं कि चिकन भी जो है और ये सारा मिक्सचर जो है वो पानी छोड़ रहा है जी। 5 मिनट के बाद आप देखें इसकी ये इतना गाढ़ा हो चुका है। और अब इस पॉइंट पे आप इसमें से नमक चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें से नमक चेक करके तो इसमें थोड़ा ऐड किया क्योंकि नमक कम था, तो आप अपने हस्बैंड ज़रूरत इसमें नमक चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ी सी आंच जो है वो उसको हल्का कर देंगे इस पॉइंट पर। चलिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं पूरे, अब हम अपना ढक्कन उतारेंगे और देखेंगे। वाह, मज़ेदार झटपट चिकन पुलाव रेडी है। तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं जल्दी से इसको डिश आउट करती हूँ, तो मिलते हैं हम मेरे डिश आउट करने के बाद। और आप देख सकते हैं कि जो चिकन के पीसेज हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हैं, तो ये इस वजह से है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया था। तो ये एक टिप है। और सम मोस्टली कहते हैं कि प्याज को जो है वो पुलाव में ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है उसका रंग आने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को इस पहले ऑयल में ब्राउन नहीं किया था, तो बाद में मैंने डाली है सारी चीज़ें एक साथ में तकरीबन, तो लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पुलाव का कलर कितना अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब आपको चाहिए हो कि बहुत जल्दी जल्दी आपने बनाना है तो आप ये मेरा चिकन पुलाव ट्राई कर सकते हैं।